एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो अगेन मीशो हॉल होने वाला है। एंड आज मैंने मीशो से कुछ आउटफिट ऐसे पिक किए हैं जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे थे। लहंगा है, साड़ी है, सूट है एंड कुछ आउटफिट ऐसे हैं जिनके गुण आपने मुझे दिए थे, तो दोनों मैं मिक्स में करके आपके साथ शेयर करूंगी। तो हूज हॉल होने वाला है, टोटल 5 आउटफिट शेयर करने वाली हूँ। एंड जिन्हें नहीं पता है मीशो क्या है या फिर जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं, तो मीशो एक रीसेलिंग ऐप है। यहाँ से आप घर बैठे पैसे कमाना स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी जीरो इन्वेस्टमेंट पे, एंड खुद के लिए भी शॉपिंग कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से मीशो यूज़ आता है एंड मीशो पे लिंक्स नहीं होते हैं, कोड्स होते हैं। तो जितने भी आउटफिट शेयर कर रहे हो सभी ये कोड्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे, वहाँ से आप इन्हें बाय कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मीशो डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कीजिए मेरे दिए लिंक से, जिससे आपको अपने फर्स्ट ऑर्डर पे फ्लैट 30% या 40% का डिस्काउंट मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो लिंक दिया है वहाँ से आप मीशो डाउनलोड कर सकते हैं। एंड गाइज, मेरे चैनल पे चल रहा है गिव अवे, अगर आपने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया है तो जल्दी से जाके पार्टिसिपेट की। एंड ये जो आउटफिट मैंने पहना हुआ है ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी साड़ी है। इस तरीके की आपको साड़ी मिल जाएगी। अगर क्लिप मैं साइड में ट्राई करूंगी ऐड करने का, अगर आप ये वाली साड़ी लेना चाहते हैं तो ऑलरेडी मेरे चैनल पे इसका वीडियो शेयर किया हुआ है। ये भी मैंने मीशो से परचेज की है, विद ब्लाउज आई थी ये। इस तरीके का आपको स्टिच्ड ब्लाउज मिल जाएगा, तो उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप इस साड़ी को परचेज कर सकते हैं। एंड ये जो ईयर रिंग्स मैंने पहने हुए हैं, इस तरीके के झुमका ईयर रिंग, ये मैंने परचेज किए हैं आभूषण स्टोर से। ऑलरेडी मेरे चैनल पे मैंने वीडियो शेयर किया हुआ है, इंस्टाग्राम स्टोर है एक, उस लिंक वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहां से आप ये वाली ज्वेलरी परचेज कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट आउटफिट जो मैंने पिक किया है अब की बार वो है एक लहंगा। लुक एट दिस, इस तरीके का आपको पैकेजिंग देखने को मिल जाएगी। अभी तक मैंने भी फोल्ड के नहीं देखा है ये वाला लहंगा निकला कैसा, बाकी पिक्चर में देखने पे इतना ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। तो इस तरीके का आपको ये वाला लहंगा देखने को मिल जाएगा। ये फुल सीक्वेंस लहंगा है एंड बहुत सुंदर लग रहा था मुझे, तो मैंने ये वाला देखा। आप इसकी वेस्ट देख लो, इस तरीके की आपको वेस्ट मिलेगी, मतलब पूरा आपको सीक्वेंस लहंगा मिलेगा। छोटे छोटे से इसमें सीक्वेंस लगाए हुए हैं, बिल्कुल बारीक वाले सीक्वेंस है। पूरा आपको सेम स्टिच लहंगा मिलेगा, यानी कि एक साइड से खुला हुआ, आप अपनी साइज के अकॉर्डिंग इसे स्टिच करवा सकते हो। अंदर की साइड आपको लाइनिंग मिल जाएगी, नीचे की साइड इन्होंने कैन भी दी है, तो फ्लेयर काफी अच्छा आएगा एंड बहुत ही ब्यूटीफुल सा पार्टी वेयर लहंगा है। और ये सीक्वेंस ऐसे है जो बिल्कुल भी नहीं अट रहे हैं। दूसरी चीज है कि अगर आप पहनोगे तो बिल्कुल भी नहीं चुभेंगे, अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा, तो उस तरीके से बहुत अच्छा लगा मुझे। और कलर ना प्रॉपर गोल्डन कलर नहीं है, प्रॉपर शेड में है, तो इसलिए मुझे ज्यादा पसंद आ रहा था। बाकी गोल्डन कलर के लहंगे, गोल्डन कलर के सीक्वेंस तो बहुत मिल जाते हैं, बाकी कॉपर कलर का सीक्वेंस मिलेगा। और आप सीक्वेंस देख लो, इतना पास पास और इतने छोटे छोटे सीक्वेंस है कि दूर से देखने पे आपको लग रहा है कि ये ग्लिटर वाला लहंगा है या फिर स्टोन वाला लहंगा है। तो इस तरीके के आपको ये वाले सीक्वेंस देखने को मिल जाएंगे। और इसका साइज है अप टू 42 या फिर 44, जो कि आपके एक्सेल एंड डबल एक्सेल साइज में आराम से आ जाएगा। तो इस तरीके का ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा इन्होंने लहंगा दिया है जो कि बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है। साइड में क्लिप ऐड करूंगी, किसी भी वेडिंग के लिए बहुत ही ज्यादा परफेक्ट आउटफिट है। तो ये लहंगा आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाएगा। और इसके साथ जो ब्लाउज आया है वो भी आपको फुल सीक्वेंस का ब्लाउज देखने को मिल जाएगा, अनस्टिच्ड आपको ब्लाउज मिलेगा। तो आप स्टिच करवा सकते हो इसे अपने साइज के अकॉर्डिंग। इस तरीके का इन्होंने फैब्रिक दिया है, 1 मीटर के आसपास इन्होंने फैब्रिक दिया है, फुल सीक्वेंस का फैब्रिक, वो ही सेम फैब्रिक है। तो आप इसे अपने साइज के अकॉर्डिंग स्टिच करवा सकते हो। तो ये आपके एक्सेल एंड डबल एक्सेल साइज में भी आराम से आ जाएगा, क्योंकि 1 मीटर का पूरा फैब्रिक है। और इस अगर लहंगे के फैब्रिक की बात करती हूँ तो पूरा लहंगे का फैब्रिक कुछ जॉर्जेट टाइप में है, मतलब एग्जैक्ट मैं नहीं बता पा रही हूँ, मेंशन कर दूंगी स्क्रीन पे। बाकी बहुत ही अच्छा फैब्रिक है एंड प्राइस के अकॉर्डिंग तो वर्थ इट है ये वाला लहंगा, तो डेफिनेटली परचेज कर सकते हो। तो इस तरीके का आपको इसमें ब्लाउज देखने को मिलेगा। एंड इसका दुपट्टा इन्होंने प्योर नेट का, मोनो नेट का दुपट्टा दिया है, यानी कि पूरा लहंगा आपको सीक्वेंस मिलेगा, प्लस आप इसे पेयर अप करो इस दुपट्टे के साथ, नेट का दुपट्टा है। एंड चारों तरफ आपको इस तरीके की इसमें लेस देखने को मिल जाएगी जो कि काफी ब्यूटीफुल लग रही है। इतना ब्रॉड बॉर्डर इन्होंने दिया हुआ है एंड पूरा दुपट्टा आपको प्लेन मिलेगा 2.5 या 2 मीटर का, तो उस अकॉर्डिंग काफी अच्छा है। पीस शेड का आपको इसमें मिक्स करके इसमें दुपट्टा दिया हुआ है, मतलब जो बहुत सुंदर आएगा ओवरऑल। अगर आप इसे स्टिच करवा के पहनते हो तो बहुत ही अमेजिंग वाला लुक आने वाला है। नेक्स्ट आउटफिट मैंने यहाँ से पिक किया है वो है ये वाली साड़ी। एंड ये वाली साड़ी मुझे देखते ही इतनी ज्यादा पसंद आ रही थी ना, बिकॉज ये वाली साड़ी मुझे कुछ न्यू पैटर्न लग रही थी, तो मैंने सोचा परचेज करके देखती हूँ कैसी निकलती है।
एंड क्वालिटी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी है ये इस वाली की साड़ी की, तो मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ आपको ये वाली साड़ी आप परचेज कर सकते हो। इसमें आपको मीशो पे कलर ऑप्शंस काफ़ी सारे देखने को मिल जाएंगे, तो मैं ट्राई करूँगी साइड में सारे कलर लगाने का। शायद पाँच या छः कलर अवेलेबल है, तो मैंने ये वाला जो है येल्लो कलर पिक किया है। एंड बहुत ही ब्यूटीफुल सी साड़ी है, लुक एट दिस साड़ी गाइस, कितनी ब्यूटीफुल है। एंड खोल के बताती हूँ आपको ये वाली साड़ी, इसका जो फैब्रिक है इतना सॉफ्ट फैब्रिक है, लाइक ओरेगंजा सिल्क टाइप में थोड़ा शाइनी सा फैब्रिक है। एंड बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट साड़ी है ये, प्योर जो मैंने पिक किया है येलो कलर पिक किया है, लेकिन आप देखोगे बिल्कुल लाइट वाला येलो है वो नहीं है, बिल्कुल डार्क वाला येलो नहीं है, तो इसलिए मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आ रहा था। कलर बहुत ही ज़्यादा लाइट है, इसमें शायद ग्रे कलर भी है, स्काई ब्लू भी है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख के परचेज करना। मुझे ये वाला कलर ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था और लेमन कलर शेड में थोड़ा थोड़ा आ रहा है, तो उस अकॉर्डिंग। तो इस तरीके की आपको एक साड़ी मिलेगी, पूरी साड़ी में आपको ये वाला बॉर्डर देखने को मिलेगा। पास से बताती हूँ, पूरे इन्होंने गोटे वाली लेस लगाई हुई है, इतना ब्रॉड बॉर्डर इन्होंने दिया हुआ है। एंड पूरी साड़ी पे इन्होंने इस तरीके का एक डिज़ाइन बनाया हुआ है। अगर मैं डिज़ाइन की बात करती हूँ, पूरा डिज़ाइन आपको गोटे से देखने को मिलेगा इस तरीके का। लुक एट दिस, इस तरीके का आपको ये वाला डिज़ाइन देखने को मिल जाएगा ऐसे। बहुत ही ब्यूटीफुल साड़ी है, गर्ल्स के अकॉर्डिंग भी परफेक्ट है और वैसे भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। अगर आपके फंक्शन है घर में, इन अफोर्डेबल प्राइस में है, सबसे अच्छी बात है। कलर कॉम्बिनेशन बहुत ब्यूटीफुल है और क्वालिटी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, तो हाईली रिकमेंड कर रही हूँ आप ये वाली साड़ी परचेज कर सकते हो। बिल्कुल न्यू पैटर्न है, उस अकॉर्डिंग मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। तो इस तरीके की इन्होंने साड़ी दी है, इतना सा जो पार्ट है वो प्लेन मिलेगा जो कि आपके अंदर की साइड आएगा, और ये इन्होंने इसमें ब्लाउज का फैब्रिक दिया है। ब्लाउज का फैब्रिक आपको बिल्कुल प्लेन देखने को मिल जाएगा, टफेटा सिल्क में फैब्रिक है, और यहाँ पे इन्होंने ये वाला बॉर्डर दिया है जो कि आपके स्लीव्स में आएगा। 80 या 90 सेंटीमीटर का ब्लाउज है जो कि आपके एक्सल डबल एक्सल साइज में भी आराम से आ जाएगा। पूरी 5.5 मीटर की साड़ी है एंड बहुत ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत साड़ी है। तो ये वाली साड़ी मैंने पिक किया, मुझे देखते ही बहुत पसंद आ रही थी, तो बहुत सुंदर लगी, और आप इसे बहुत तरीके से बहुत सारे ब्लाउज के साथ पेयर अप कर सकते हो। तो नेक्स्ट मैंने ये वाली साड़ी अब की बार मीशो से पिक की है। अब जो नेक्स्ट आउटफिट मैंने पिक किया है वो है एक सूट, जो कि मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी परचेज करने का। एंड इसमें आपको कलर ऑप्शन मीशो पे काफ़ी सारे देखने को मिल जाएंगे। मैंने ये स्काई ब्लू कलर पिक किया है, जब आप इसकी इमेज देखोगे इतनी ब्यूटीफुल लग रही है, दूसरी चीज़ है इतना प्यारा लग रहा है ना पहनने के बाद, तो मैं चाहती थी परचेज करूँगा। मेन रीज़न था इसको परचेज करने का इसका दुपट्टा। एक और चीज़ मुझे आपको बतानी थी कि मैं यहाँ पे साइड में एक पेज लगाऊंगी, ये एक इंस्टाग्राम पेज है, हैंडमेड ईयरिंग्स का पेज है, और ये कोई स्पॉन्सर नहीं है, ये मेरी एक जो फ्रेंड है उन्होंने खोला है। और अगर आप इंटरेस्टेड हो हैंडमेड ईयरिंग्स वगैरह परचेज करने में, हैंडमेड्स कोई भी आइटम्स हो गए वो परचेज करने में, नेकलेस ईयरिंग्स, तो आप एक अभी अभी खोला ही है जस्ट, तो आप एक बार उस पेज को जाके चेकआउट कर लो। साइड में इमेज लगा दूँ, साइड में क्लिप लगा दूंगी मैं पेज की, और इस पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप एक बार चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको हैंडमेड आइटम्स पसंद है तो डेफिनेटली वहाँ से परचेज कर सकते हो। तो गाइस ये वाला इस तरीके का आपको इसमें दुपट्टा मिल जाएगा। लुक एट दिस प्रिंट, बहुत ही सुंदर सा प्रिंट है, साइड में टैसल लगाए हुए हैं जो कि बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। पूरा दुपट्टा आपको स्काई ब्लू पिंक कलर के शेड में मिलेगा। लुक एट दिस गाइस, कितना ब्यूटीफुल दुपट्टा है, पूरा प्रिंटेड है, प्लस इसमें गोटे का काम किया गया है जो कि कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। पूरा 2.25 मीटर का दुपट्टा है, आप चौड़ाई देख सकते हो, काफ़ी अच्छी खासी इन्होंने दी है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा दुपट्टा है। एंड इस तरीके के दुपट्टे मुझे बहुत पसंद आते हैं, मेन रीज़न ही ये था इस वाले सूट को बाय करने का, इसका दुपट्टा जो कि मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया। और इसमें आपको कलर ऑप्शन काफ़ी सारे देखने को मिल जाएंगे मीशो पे, आप अपने अकॉर्डिंग चेकआउट करना। मुझे स्काई ब्लू कलर बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। एंड इसके साथ जो इसका कुर्ता बताती हूँ आपको, ये पूरा कुर्ता आपको अनरखा वाले पैटर्न में मिलेगा। लुक एट दिस, पहले तो फैब्रिक बोलती हूँ, बहुत ही अच्छा है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, पूरा रेयॉन का फैब्रिक है। एंड नेक देख सकते हो आप, इस तरीके की मिल जाएगी, इस तरीके की इसमें स्लीव्स दी हुई है, स्लीव्स पे आगे इस तरीके की डिटेलिंग की हुई है। एंड ये आप देखो, ये वाला डिज़ाइन अनरखा वाला पैटर्न है यहाँ पे, एंड ये टैसल देखो जो कि बहुत खूबसूरत, मतलब इसमें जो पूरा चाहे सूट आपको पूरा प्लेन मिलेगा, पर इसमें गोटे का काम इतना अच्छा किया हुआ है और टैसल ऐसे लगाए हुए हैं ना, तो लुक काफ़ी अट्रैक्टिव सा आ रहा है। अब देखो इतने बड़े बड़े टैसल लगाए हुए हैं और इसके ऊपर एक गोटा लगाया हुआ है, तो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। एंड इस तरीके का आपको ये वाला कुर्ता मिल जाएगा,
फ्लेयर वाला कुर्ता है, फुल फ्लेयर आपको देखने को मिलेगा इसमें, एंड नीचे की साइड इस तरीके का इन्होंने बॉर्डर सा दिया हुआ है। बहुत खूबसूरत है, पहनने के बाद लुक काफ़ी अच्छा आएगा। इसमें जो मैंने साइज परचेज किया है वो है मीडियम, आप अपने अकॉर्डिंग साइज चार्ट देख के परचेज करो। मीडियम सारे साइज शायद मीशो पे अवेलेबल है, आप अपने अकॉर्डिंग देख के परचेज कर सकते हो। तो इसका कुर्ता आपको कुछ इस तरीके का मिलेगा, प्लस नीचे इन्होंने इस तरीके की इसमें पैंट दी हुई है, स्ट्रेट टाइप पैंट, क्या थोड़ा ब्रॉड ही है तो प्लाजो टाइप ही है, बाकी ज़्यादा ब्रॉड नहीं है, इलास्टिक वाला है फैब्रिक, वही रेयन फैब्रिक है, बिल्कुल सिंपल है, लेकिन इसकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी है। प्लस अभी समर से स्टार्ट हो रही है तो उसके अकॉर्डिंग ये कलर इतना ब्यूटीफुल लगता है, तो उस अकॉर्डिंग मैंने ये वाला कुर्ता सेट बाय किया है, जो डेफिनेटली आप बाय कर सकते हो, क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो अब जो नेक्स्ट आइटम मैंने अब की बार मीशो से पिक किया है वो है ये वाली साड़ी, लुक एट दिस साड़ी। ये साड़ी मुझे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी इसलिए मैंने ये वाली साड़ी यहाँ से पिक की है। अमेजिंग है, कलर बहुत ब्यूटीफुल है, एंड इसमें आपको कलर ऑप्शन देख लेना, मुझे ये ब्लू कलर ज़्यादा पसंद आ रहा था तो ये वाला मैंने पिक किया। दूसरी चीज़, आपको अगर आप ये वाली साड़ी आप बाय करते हो, आपको देखने में लग रहा होगा कितनी हैवी साड़ी है, लुक एट दिस, इतनी हैवी है, लेकिन आप हाथ में लोगे तब आपको पता चलेगा बिल्कुल लाइट वेट साड़ी है, क्योंकि फैब्रिक इन्होंने इतना अच्छा यूज़ किया है ना इसमें, तो उस अकॉर्डिंग काफ़ी ब्यूटीफुल लगी और बिल्कुल न्यू लुक है, अभी ज़्यादा अभी ट्रेंड में चल रही है ये वाली साड़ी। तो साड़ी पूरी आपको इस तरीके की मिलेगी, एंड कलर इतना अच्छा है, डार्क कलर है, पूरा नेवी ब्लू कलर है, एंड पूरे पे आपको जो एम्ब्रॉयडरी मिल रही है वो थ्रेड से मिल रही है, जो कि काफ़ी नीटली काम किया हुआ है। ये टैसल लगाए हुए हैं इन्होंने, आंचल पे पूरे थ्रेड वाले टैसल देखने को मिल जाएंगे। अब आप पूरी साड़ी देखो, नीचे की साइड आपको ये बॉर्डर देखने को मिल जाएगा, पूरी साड़ी पे आपको छोटे छोटे बूटे देखने को मिल जाएंगे। सिल्क फैब्रिक में साड़ी है पूरी, जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही है, कलर वो ही बिल्कुल डार्क कलर है एंड बहुत सुंदर सा कलर है। पूरी 5.5 मीटर की आपको ये वाली साड़ी देखने को मिलेगी, कलर ऑप्शन आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। मुझे ये कलर पसंद आ रहा था क्योंकि इसमें जो इन्होंने कॉम्बिनेशन दिया है ब्लाउज का वो रेड के साथ दिया है, और ब्लाउज स्टिच करवाने के बाद बहुत ब्यूटीफुल लुक आने वाला है। ब्लाउज भी देख सकते हो आप, काफ़ी हैवी इन्होंने इसमें दिया हुआ है, अटैच मिल जाएगा, पूरा 90 या 80 सेंटीमीटर का ब्लाउज है, जो कि बहुत सुंदर लगेगा पहनने के बाद, लुक काफ़ी अच्छा आएगा स्टिच कराने के बाद। तो इस तरीके का आपको इसमें ब्लाउज देखने को मिल जाएगा। तो ये वाला आइटम है जो मैंने, ये वाली साड़ी है जो मैंने नेक्स्ट पिक की है। अब जो लास्ट साड़ी मैंने यहाँ से ली है वो है ये सिल्क की साड़ी, एंड पूरी ये बंदेज में साड़ी है, बंदनी प्रिंट में है, एंड काफ़ी लोगों के मैसेज आ रहे थे कि दी बंदनी प्रिंट में शेयर करो, तो मुझे ये वाली साड़ी जो मीशो पे दिखी तो देख के इतनी पसंद आई मुझे ये वाली साड़ी, क्योंकि बहुत ही सुंदर लग रही है, बिल्कुल लुक एट दिस, इस तरीके की साड़ी है, जो कि पहनने के बाद इस तरीके की साड़ियाँ बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। प्लस ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, पूरा अगर मैं फैब्रिक की बात करती हूँ बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक है, शिफॉन फैब्रिक में आपको ये साड़ी मिल जाएगी, बहुत ही प्यारा सा फैब्रिक इन्होंने इसमें यूज़ किया है, काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में है, एंड आप इसकी लेस देख सकते हो काफ़ी ब्यूटीफुल है, गोटे का काम किया गया है, एंड पूरी साड़ी आपको इस तरीके का इसमें पूरे पे बंदनी प्रिंट देखने को मिलेगा। कलर आप देखो पहले कितना अट्रैक्टिव सा कलर है, यहाँ पे इन्होंने इस तरीके के छोटे छोटे बूटे लगाए हुए हैं, बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी मुझे ये साड़ी। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ से ये पिक की है, इसमें शायद कलर ऑप्शन नहीं है हुए ना, तो मैं साइड में दे दूंगी इमेज में भी, शायद कलर ऑप्शन नहीं है इसमें। एंड सभी जो साड़ियाँ शेयर कर रही हूँ या फिर जो भी आउटफिट शेयर कर रही हूँ, सभी के कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप डेफिनेटली परचेज करो। दूसरी चीज़ कि अगर आप परचेज करना चाहते हो तो अभी परचेज करो, बिकॉज मीशो पे होता क्या है ना, अगर मैं शेयर कर रही हूँ तो सेकंड डे ही वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है, या फिर कई बार तो ऐसा होता है मेरे पास भी नहीं आती, उससे पहले आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है, क्योंकि मीशो एक रीसेलिंग ऐप है, फिर आप बोलते हो कि दी आउट ऑफ स्टॉक है, तो वो चीज़ मत करना, परचेज करना चाहते हो तो अभी आप परचेज कर सकते हो। तो इस तरीके की आपको येलो और मैरून कलर के कॉम्बिनेशन में आपको ये वाली साड़ी मिल जाएगी, जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल है। ये इन्होंने इसका ब्लाउज दिया है, सेम आपको एज इट इज़ ब्लाउज मिलेगा, ब्लाउज पे ये वाला बॉर्डर आएगा, 90 सेंटीमीटर का ब्लाउज है, पूरी 5.5 मीटर की शिफॉन की साड़ी है, जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रही है। तो नेक्स्ट मैंने ये वाली साड़ी पिक की है। तो गाइस आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, और अगर अभी तक आपने गिव अवे में पार्टिसिपेट नहीं किया है तो जल्दी से जाके पार्टिसिपेट करो। तो अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।